प्रदेश के छोटे बड़े सभी जलाशयों पर अवैध शिकार करने वालों पर मत्स्य विभाग ने पैनी नजर रखी हुई है। प्रदेश में 2 महीनों का प्रतिबंध होने के बावजूद मछली का अवैध शिकार करने वालों पर कड़ा सिकंजा कसा रखा है। इसके तहत फ्लाइंग स्क्वाड और विभागीय टीमों ने पौंग डैम, गोविंद सागर, चमेरा, कोल डैम, रंजीत डैम इत्यादि डैमों में कार्रवाई की गई है। प्रदेश के छोटे बड़े सभी जलाशयों पर अवैध शिकार करने वालों पर मत्स्य विभाग ने पैनी नजर रखी हुई थी। प्रदेश में 2 महीने का प्रतिबंध होने के बावजूद मछली का अवैध शिकार करने वालों पर कड़ा सिकंजा कसा रखा गया। इसी के तहत फ्लाइंग स्क्वाड और विभागीय टीमों ने पौंग डैम, गोविंद सागर, चमेरा, कोल डैम, रंजीत डैम इत्यादि डैमों में कार्रवाई की और लगभग 180 से ऊपर मामले अवैध रूप से कर रहे मछुआरों को पकड़ा है और उन पर लगभग 1,70,000 से ज्यादा का जुर्माना भी किया गया है। प्रदेश के सभी बड़े जलाशयों में स्टेट लेवल की फ्लाइंग स्क्वाड और जिला लेवल की टीमें तैनात हुई थी और जलाशयों की निगरानी कर रही थी। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि मोटर बोटों के जरिए भी निगरानी की गई। मत्स्य विभाग के निदेशक ने बताया कि 2 महीने के प्रतिबंध पर मछुआरों ने विभाग का काफी सहयोग किया तथा कुछ अवैध रूप से मछली का व्यापार करने वालों के खिलाफ विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और जुर्माना भी वसूला है। इस बार विभाग द्वारा बंद सीजन में जगह जगह कैंप लगाए गए थे और सभी जलाशयों में, जैसे कि हमारे बड़े गोविंद सागर जलाशय है, पौंग जलाशय है, रणजीत सागर डैम है और साथ में कोल डैम है, तो इनमें सभी में विभाग ने जो है उड़न दस्ते भी लगाए थे, जगह जगह पे कैंप भी लगाए थे हमने, और हमने राज्य स्तर पर भी हमने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया था। तो सभी ने जो है इस बार 189 जो है वो अवैध मत्स्य आखेट पकड़े और उससे जो जुर्माना वसूला गया सभी अधिकारियों द्वारा सभी जलाशयों का लगभग ये 1,68,000 के आसपास जो है वो कुल उसमें मुआवजा राशि जो है वो वसूल की गई है।